चलिए लीला फ्रेंड का पेज नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट पेज 2 में क्या हुआ था देख लेते हैं। देवर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट, ही सेड पॉइंटिंग, यू सी द मून देयर डोंट यू। नौकर पूछता है क्या तुम मून को देख रहे हो। यस, लीला बोलती हाँ मैं देख रही हूँ। नाउ कम विथ मी, वो बोलता है कि हाँ अब मेरे साथ आओ। ही सेड, सीधा बोलता है, एंड टू हर टू द बैकयार्ड, और पीछे वाले आंगन की तरफ में लेके जाता है। ही स्टॉप नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप, वो कुएं के पास लेके जाता है और इशारा करता है। द मून वॉज देयर, देखो मून वहाँ पर है। लीला क्लैप्ड हर हैंड्स, लीला अपने हाथों को ताली मारती है। एंड स्क्रीम्ड इन वंडर, और आश्चर्य में चीखती है। द मून हेयर, यहाँ पर चांद है। इट वॉज देयर, हाउ वॉज इट, वो तो वहाँ पर भी था, यहाँ पर कैसे हो सकता है। I have asked it to follow us about. तब सिद्धा बोलता है मैंने उसको बोला है कि वो हम लोग को पीछा करे। लीला रैन इन, लीला दौड़ते दौड़ते अंदर आई। एंड टोल्ड हर मदर, और अपने माँ को बोलती है। सिद्धा नोज द मून, सिद्धा जो है ना मून को जानता है, चांद को जानता है, वो उसकी बातों को सुनता है। एट डस्क, डस्क मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब होता है शाम। At dusk, he carried her and she held a glass for him. शाम होते हुए he carried her, वो उसको लेकर आता है, and she held a glass for him, और उसके लिए एक glass arrangement करता है। She had a box, उसके पास एक box है filled with catalog, उसमें पूरा catalog है। Illustrated books, और चित्रित पेंटिंग वाला किताब है। एंड स्टम्प्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल के कुछ टुकड़े हैं। इट गेव हर जॉय टू प्ले द टीचर टू सिद्धा, और उस छोटी सी बच्ची को आनंद आता था खेलते हुए टीचर का रोल बन के, सिद्धा का टीचर। सी मेड हिम स्क्वेट ऑन द फ्लोर, और उसको जमीन पे नीचे पलथी मार के बैठाती थी विथ ए पेंसिल, हाथ में पेंसिल देती थी। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके अंगली के बीच में, एंड ए कैटलॉग इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने एक कैटलॉग रख देती थी। सी हैड अनदर पेंसिल, उसके हाथ में और एक पेंसिल होता था। एंड ए कैटलॉग एंड कमांडेड, और उसके हाथ में एक कैटलॉग होता था, और वो आदेश देते हुए बोलती थी नाउ राइट, वो सिद्धा का टीचर का बन के उसको बोलती थी अब लिखो। एंड ही हैड टू ट्राई एंड कॉपी वाट एवर सी रोट, और उसको कोशिश करना होता था, लिखना होता था वाट एवर सी रोट इन द पेजेस ऑफ आवर कैटलॉग, जो वो छोटी सी बच्ची अपने लिखती थी वही सीधा को लिखना होता था। सी न्यू टू और थ्री लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, वो दो या तीन अक्षर जानती होगी। एंड कुड ड्रॉ ए काइंड ऑफ कैट एंड क्रो, और कुछ बिल्ली का या गाय का वो चित्र बना देती थी। बट नॉन ऑफ दिस कुड सीधा इवन रिमोटली कॉपी, लेकिन उनमें से कुछ भी सीधा अच्छी तरह से कॉपी नहीं कर पाता था। सी सेड, वो कहती एग्जामिनिंग हिज एफर्ट, उसकी कोशिश को देखते हुए जांचते हुए। इज दिस हाउ आई हैव ड्रॉन, क्या ये वैसा ही जिसको मैंने ड्रॉ किया है, क्रो है कौवा की तरह ड्रॉ किया है। इज दिस आई हैव ड्रॉन द बी, क्या मैंने जो बी सिर्फ आंका है उससे तुमने कर पाए हो। सी पिटीड हिम, वो उस पर दया दिखलाती थी। एंड रिडबल्ड हर एफर्ट्स, और अपने कोशिश को दुगना कर देती थी टू टीच हिम, उसको पढ़ाने के लिए। बट दैट गुड फेलो, लेकिन वो जो अच्छा लड़का था ना यानी सिद्धा, दो एन अडेप्टेड कंट्रोलिंग द मून, वो मून को नियंत्रित कर सकता था अच्छी तरह से, इनकेपेबल, वो पूरी तरह से असक्षम था और प्लाइंग द पेंसिल, एक छोटे से पेंसिल को यूज करने में, चलाने में। कंसिक्वेंटली इसका परिणाम ये हुआ, इट लुक्ड एज दो, ऐसा दिखा दो लीला वुड कीप हिम देयर, कि लीला उसको वहीं पर रखेगी। इन टू हिज सीट, वो उसको सीट पर बैठा कर रखेगी। टिल हिज स्टिप इन अ फ्लेक्सीबल रिस्ट क्रैक्ट, जब तक कि उसकी कलाई न टूट जाए लिखते लिखते, तब तक वो उसी को वहाँ पर बैठा कर रखेगी। शॉर्ट रिलीफ बाई से, और सीधा अपने आप को आराम देता हुआ ऐसे देता है ये कहते हुए, आई थिंक योर मदर इज कॉलिंग यू इन टू डिनर, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है डिनर के लिए, रात को खाना खाने के लिए।
लीला वो ड्रॉप द पेंसिल, लीला तब पेंसिल को छोड़ देती थी एंड रन आउट ऑफ द रूम, रूम को बाहर चली जाती थी एंड द स्कूल आवर वुड एंड। और इस तरह से सिद्धा का स्कूल आवर खत्म हो जाता था। आफ्टर डिनर लीला रैन टू हर बेड, और डिनर करने के बाद लीला फिर बेड की तरफ में जाती थी सोने के लिए। सिद्धा हैड टू बी रेडी विद द स्टोरी, सिद्धा को यहाँ पर एक कहानी लेकर तैयार होना पड़ता था। ही सेट डाउन ऑन द फ्लोर, वो जमीन के फर्श पर जाकर बैठता था नियर द बेड, उस बेड के करीब में, एंड टोल्ड इनकम्पेरेबल स्टोरीज, और अच्छी अच्छी कहानी बताना पड़ता था। ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में जो एनिमल्स हैं जानवर हैं उसके बारे में। ऑफ गॉड्स इन हेवन, स्वर्ग में जो भगवान है उसके बारे में। ऑफ मैजिशियन, जादूगर के बारे में। हो कुड कंजर अ गोल्डन कैसल, जो कि जादू का महल बना सकता है। एंड फिल देम विद लिटिल प्रिंसेस एंड देयर पेट्स, और जो छोटे छोटे जो प्रिंसेस हैं राजकुमारियाँ हैं उनको गिफ्ट दे सके, उनको पेट दे सके, पालतू पशु सुंदर सुंदर दे सके। डे बाय डे सी क्लंग क्लोजर टू हिम, और दिन पर दिन वो उसका क्लोज होती गई। सी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है जिद करना, अपन हैविंग हिज कंपनी, वो उसका कंपनी चाहने लगी, उसको उसका संगत अच्छा लगता था। सी वाज एट हिज साइड, और वो उसके साथ ही रहती थी। व्हेन ही वाज वर्किंग, वो काम करता था इन द गार्डन में, बगीचे में, और चॉपिंग वुड या लकड़ी जब वो काट होता था। एंड अकंपनीड हिम, और उसको वो साथ में रहती थी। व्हेन ही वाज सेंट ऑन एरर्स, जब उसको इधर उधर का काम करने के लिए दिया जाता था तो वो उसके साथ ही जाते थे। वन इवनिंग, एक शाम को, वेंट आउट टू बाय शुगर, एक शाम को सिद्धा शुगर खरीदने गया, चीनी खरीदने गया। एंड लीला वेंट विथ हिम, और लीला उसके साथ में जाती है। व्हेन दे केम होम, जब वो लोग घर में आते हैं, लीलाज मदर नोटिस्ड, लीला की माँ देखती है दैट ए गोल्ड चैन लीला हैड बीन वेयरिंग, एक सोने का चैन जो लीला पहनी हुई थी वाज मिसिंग, खोया हुआ था। वेयर इज योर चैन, तुम्हारा चैन कहाँ है। लीला लुक्ड इनटू हर शर्ट, लीला अपने शर्ट में देखती है, सर्च इधर उधर खोजती है एंड से पर कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हर मदर गेव हर ए स्लैप, उसकी माँ उसको एक थप्पड़ मारती है एंड सेड, और कहती है हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू टेक इट ऑफ एंड पुट इट इन द बॉक्स, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ना उसको उतार कर उसको बक्से के अंदर में रख देना। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, स्क्वैट, स्क्वैट का मतलब क्या होता है, टू सिट ऑन हिल्स, पलथी मार के बैठना। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ थिंग्स। रिमोटली मतलब बाय फार, दूर तक। रीडबल मतलब इंक्रीज, मतलब दुगना कर देना। फ्लाइंग मतलब वेल्डिंग, नियंत्रित करना। कंज्यूर मतलब समन, बुलाना। पेज नंबर 4 की तरफ में चलते हैं। सिद्धा, सिद्धा, सी शाउटेड अ मोमेंट लेटर, कुछ समय पहले ही लीला सिद्धा सिद्धा चिल्ला रही थी। एज सिद्धा केम इन, जैसे सिद्धा अंदर में आया, लीलाज मदर थ्रू अ ग्लैंस एट हिम, लीला की माँ उसकी नज़र उस पर पड़ी। And thought the fellow already looked square. ऐसा लग रहा कि वो अजनबी सा है, डरा सा है। She asked him about the chain. उसकी माँ पूछती है चैन के बारे में। His throat went dry. उसका गला सूख जाता है। He blinked. वो आँखें अपना इधर उधर झपकाता है and answered, और जवाब देता है that he did not know, कि उसको नहीं पता कहाँ है। She mentioned the police and shouted at him. उसकी माँ बोलती है अगर तुम्हें लिया है इसको दे दो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम ही लिए हो। सी हैड टू गो बैक इनटू द किचन फॉर अ मोमेंट, उसकी माँ फिर से किचन में जाती है बिकॉज सी हैड लेफ्ट समथिंग इन द ओवन, क्योंकि वो चूल्हे पे कुछ चढ़ाई रहती है उसको देखने के लिए जाती है। लीला फॉलोड हर, लीला उसके पीछे पीछे, अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है रोते हुए। विनिंग, गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दो मदर, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। When they came out again and called, जब वे लोग फिर से आए और सिद्धा को चिल्लाए, सिद्धा सिद्धा, देर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई जवाब नहीं था। सिद्धा हैव वैनिश्ड इनटू द नाइट, सिद्धा रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। मिस्टर शिव शंकर केम एंड आवर लेटर, मिस्टर शिव शंकर एक घंटे के बाद आता है। ग्रीव वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ओवर ऑल दिस, इन सब बातों को सुनकर। वेंट टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के पास जाता है, लॉज्ड कंप्लेंट, और एक शिकायत दर्ज करता है।
आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज्ड टू गो टू बेड। खाना खाने के बाद लीला सोने जाने के लिए इनकार कर देती है। आई वॉन्ट स्लीप अनलेस सिद्धा कम्स। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि सिद्धा नहीं आ जाता है। एंटिन्स मी स्टोरीज, जब तक कि मुझे वो कहानी नहीं सुनाता है। आई डोंट लाइक यू मदर, माँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। यू आर ऑलवेज अब्यूजिव, तुम हमेशा गाली देती रहती हो। एंड वरिंग सिद्धा, और सिद्धा पे चिल्लाती रहती हो। वाई आर यू सो रफ, तुम इतनी कड़ी क्यों है, कड़क क्यों हो। बट ही हैज़ टेकन अवे योर चैन, माँ बोलती है उसने तुम्हारा चैन चुरा लिया है और लेके भाग गया है। लेट हिम, इट डजंट मैटर, टेल मी अ स्टोरी। छोटी से बच्ची बोलती है ले जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वो कहानी सुनना है, सुनाओ। स्लीप स्लीप सेड मदर, माँ बोलती है सो जा बच्चे सो जा। अटेम्प्टिंग टू मेक हर लाई डाउन ऑन हर लैप, वो बच्चे को अपने गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है। टेल मी अ स्टोरी मदर, लीला से अटिल्ला बोलती है एक कहानी सुनाओ माँ। इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल, और ये पूरा असंभव था फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए, टू थिंक ऑफ ए स्टोरी, की कोई भी कहानी सोच सके। हर माइंड वॉज डिस्टर्ब, उसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। द थॉट ऑफ सिद्धा, सिद्धा के बारे में सोच सच के, द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी, वो डर जाती थी उसके बारे में सोच के। द फेलो होल्डर, नौकर वरल का, विथ हिज नॉलेज ऑफ द हाउस एंड, घर के बारे में सब कुछ जानता है। माइट कम इन एट नाइट, वो रात में आ सकता है। एंड लूट, हमें हमारे घर में लूट कर सकता है, लूट छिनताई कर सकता है। सी शडर टू थिंक, वो सोच कर डर जाती है। व्हाट ए विलन, वो कैसा है, विलन है। सी हैड बीन हार्बरिंग, वो कई सालों से उसको पाल रही थी। ऑल दिस डेज, इन कई दिनों से। इट वॉज ए गॉड मर्सी, ये भगवान का कृपा ही था। दैट ही हैड नॉट किल्ड चैन, कि उसने छोटी से नन्ही सी बच्ची को चैन के लिए जान से नहीं मारा। स्लीप लीला स्लीप सी के जोर, अपने बच्चे को बहलाते फुसलाते बोलती है सो जा बच्ची सो जा। कांट यू टेल द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट, लीला लीला बोलती है क्या तू हाथी वाला भी कहानी नहीं बोल सकती। नो, उसकी माँ बोलती नहीं। लीला मेड ए नॉइस ऑफ डेप्रिकेशन एंड आस्क, लीला चिल्लाती है तो किसी चीज़ का क्षति होता है। उसके बाद पूछती है वाई शुड नॉट द सीट इन आवर चेयर मदर, वो बच्चे की तरह पूछती है कि माँ सीधा हम लोग के साथ चेयर पे क्यों नहीं बैठ सकता। मदर डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, माँ ने उस बच्चे का जवाब नहीं दिया। लीला सेड अ मोमेंट लेटर, सीधा कुछ क्षण सोचने के बाद बोलती है सीधा इज गन, सीधा चला गया है। बिकॉज यू कुड नॉट बी अलाउड टू स्लीप इनसाइड द हाउस, उसको हम लोग सोने नहीं ना देते थे घर में, उसके लिए अलग से कमरा होता था जैसे हम लोग सोते हैं, इसलिए वह चला गया है। वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड द हाउस मदर, तो छोटी सी बच्ची बोलती है उसको हम लोग घर में क्यों नहीं सोने देते हैं, घर के बाहर में उसको हम लोग सोने देते हैं माँ। आई थिंक ही इज एंग्री विथ अस मदर, वो बोलती है कि शायद वो हम लोग से गुस्सा हो गया है। बाय द टाइम शिवशंकर रिटर्न, और इस समय शिवशंकर आ जाता है घर में। लीला हैड फॉलन एस्लीप, लीला घर में सो चुकी है। ही सेज, वो आते ही कहता है व्हाट अ रिस्क वी टूक इन एंगेजिंग दैट फॉलो, बोले हम लोग कितना जोखिम भरा काम किया उस नौकर को काम में लगा के। इट सीम्स ही इज एन ओल्ड क्रिमिनल, ऐसा लगता है वो बहुत पुराना अपराधी है, क्रिमिनल है। ही हैज़ बीन इन जेल हाफ अ डजन टाइम्स फॉर स्टीलिंग, वो कई बार जेल जा चुका है चीज़ों को चुराने में। लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया हुआ है कि क्वेर मतलब क्या होता है, अनयूजुअल अजीब सा, कैजुअल मतलब क्या होता है, टू अर्ज जेंटली, मैंने किस चीज़ को बालाना फुसलाना आहिस्ते से। हार्बरिंग मतलब गिविंग सेल्टर टू, आश्रय देना। डेप्रिकेशन मतलब डिसअप्रूवल। आज के लिए इतना रखते हैं।